भारत की केंद्र सरकार ने केवल दो स्काउट और गाइड की संस्था को मान्यता प्रदान की है, जिसमें एक हिंदुस्तान स्काउट गाइड है और दूसरा भारत स्काउट गाइड है। छत्तीसगढ़ की सरकार जबरदस्ती भारत स्काउट गाइड को एक तरफा समर्थन दे रही है और हिंदुस्तान स्काउट गाइड को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रही है, जिससे हम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग अपने स्कूल में काम कर रहे हैं, अपने स्वयं तरीके को अर्जित धन अर्जित करने के तरीके को लेकर हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास लगभग 200 स्कूल जुड़ने को तैयार हैं, हमने प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग दी है, 178 प्रशिक्षक हमारे तैयार हो गए हैं और वो जाके पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान स्काउट गाइड का डंका बजाएंगे। संघ का दावा है, माननीय विश्वराम जी यादव जो संघ के सरसंघ चालक हैं, उनका पुत्र गजेंद्र यादव जो हिंदुस्तान भारत स्काउट गाइड का मुख्य आयुक्त भी है, और उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। जहां करोड़ों रुपए भारत स्काउट गाइड को दिए जा रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान स्काउट गाइड की उपेक्षा करना और उनके पत्रों को जवाब नहीं देना, यह एक अत्यंत दुखद घटना है। और हम सब स्वतंत्र भारत में रहते हैं, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, और एक एनजीओ के लिए सारे जिला शिक्षा अधिकारियों को यूज़ करना और एक तरफा आदेश देना, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा हुआ है, खेल मंत्री जी को भी पत्र लिखा हुआ है और शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा हुआ है, माननीय मुख्य सचिव जी को भी पत्र लिखा हुआ है, उनके तरफ सभी के तरफ से उपेक्षा करना और एक संस्था को जबरदस्ती सहायता करना और दूसरी संस्था को सहायता नहीं देना, यह बहुत ही निंदनीय बात है जो हो रही है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.